तो कैसे हो भाई साहब? मिनट में राज, आप सभी लोग देख रहे हैं डेगी भाई साहब। हमने एक वीडियो बनाया था एनसीईआरटी बुक्स की एप्लीकेशन के ऊपर, तो उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया और साथ ही ये भी हमसे कहा कि ऐसे और भी एप्लीकेशन हमारे लिए आप ढूंढो और हमें बताओ, ताकि हम ऑनलाइन स्टडी करने में हमें आसानी हो और हम एप्लीकेशन के सहारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। तो ऐसे में मैं आज और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस लेकर आया हूं। पिछला बार तो एक एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था, आज मैं आपको 4 से 5 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप फ्री में स्टडी कर पाओगे और उन सारे एप्लीकेशंस में आपको बुक्स, नोट्स, सॉल्यूशंस वगैरह यानी कि सारे चीज आपको मिल जाने वाले हैं। और इस बार ही जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ वो आप इजीली डाउनलोड भी कर पाओगे। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहो। चैनल पर अगर नए हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक ऐसे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचता रहे। सो गाइस, अभी के दौर में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सारा काम घर बैठे हो जाए, और वैसे में अगर हमें ऑनलाइन स्टडी करना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है तो ऐसे में हम सभी लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन पे पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपको सब कुछ मिलता है और वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे पेड होते हैं, आपको वहां पर पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री एप्लीकेशन जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये एप्लीकेशन अगर हमें आप फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ये आपको बदले में एड्स दिखाएंगे और वो एड्स से थोड़े बहुत आप परेशान हो सकते हो, लेकिन फ्री का मटेरियल के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं उन 5 एप्लीकेशंस के बारे में। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर देना भाई साहब, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन ढूंढने में बहुत मेहनत की जरूरत होती है और बिना मेहनत के हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए एक लाइक जरूर देना। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइज, ये है पहला एप्लीकेशन जिसका नाम है नूल फॉर CBSE। अब कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो भाई साहब, ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपको सारे बुक्स मिल जाते हैं, सारे क्लासेस के आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर सॉल्यूशन पेपर भी मिल जाता है। ये एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, बड़े आसानी से आपको प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे एप्लीकेशंस के, तो या फिर एक ही लिंक आपको मिलेगा, आप एक आर्टिकल पे जाओगे वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा सभी एप्लीकेशंस के 1 by 1। जैसे ये मानो आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो क्लास 10th पे आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप बुक्स को सेलेक्ट करोगे। अब देखो ये ऐड है, मैंने जैसे कहा कि ऐड आपको देखना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बुक्स को आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो, तो ऐसा कुछ ये वाला एप्लीकेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। ये है दूसरा एप्लीकेशन जिसका नाम है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन। अब देखो आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए भी बुक्स मिल जाते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको मिल जाते हैं। NCERT के नोट्स मिल जाएंगे और वीडियोस भी कुछ मिल जाते हैं आपको, CBSE के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो NCERT बुक्स इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करोगे, अप टू क्लास 12th के लिए आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। अब देखो ऐड आपको देखना ही पड़ेगा, अब आपको ऐड तो देखना ही पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा। अब देखो क्लास 12th का यहाँ पर सारा बुक्स वगैरह आपको मिल जाता है, आप इनसे सेलेक्ट करके आप अपने लिए पढ़ सकते हो। अब देखो ये सारे बुक्स वगैरह यहाँ पर ऐसे कुछ मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन को ट्राई ज़रूर करना, ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है ये NCERT बुक, इसका नाम ही है, आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। और ये ही वाला एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैंने लास्टली बताया था आपको, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। NCERT बुक आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, पुराने बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। और ये वाला जो एप्लीकेशन है ये ऑल इन वन पैकेज है, तो ये वाला एप्लीकेशन आप जरूर ट्राई करना। और सबसे बेस्ट, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, एक ऐसा एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है इस एप्लीकेशन में। बड़ा ही कमाल का एप्लीकेशन है, आप चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी भी मीडियम में पढ़ते हो, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाने वाला है। सॉरी, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम के लिए मैंने वो वाला एप्लीकेशन बताया, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। बाकी इसमें CBSE, आपका NCERT, आपका CIC, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ऐसे में बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अब NCERT बुक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, मानो आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हो, अब यहाँ पर उसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, अब देखो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉल्यूशन पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में।
इसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका नाम है एनसीईआरटी या फिर आप कह लो कॉपी किताब। तो ऐसे में ये है वो एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको सबसे पहले अपना क्लास सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो भी बुक चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर स्टडी पैकेज वगैरह भी मिल जाता है, टेस्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस एप्लीकेशन में सारे बुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं सारे क्लासेस के, तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बाकी के एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम है CBSE, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT सॉल्यूशन, NCERT नोट्स, बोर्ड पेपर्स, और जैसे ही आप यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक पे क्लिक करते हो, अपना क्लास सेलेक्ट करते हो, उसके बाद अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, अब देखो यहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाते हैं, रियल नंबर्स, आपको सारे सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, यानी कि डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन पढ़ना है, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब NCERT सॉल्यूशंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और अपना क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर वैसा ही सीन है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे में ये वाला जो एप्लीकेशन है ये सॉल्यूशन पेपर के लिए बहुत ही कमाल का मुझे लगा, और NCERT CBSE के लिए तो बेस्ट एप्लीकेशन हम इसे कह ही सकते हैं। सो गाइस, ये थे बेस्ट 5 फ्री एप्लीकेशन जहां पर आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे हो प्ले स्टोर में, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां पर क्लिक करना है, जो लिंक मिलेगा आप एक वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर सारे एप्लीकेशन के डिटेल्स और डाउनलोड लिंक दोनों मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो आप जाओ और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसका जरूर से सॉल्व कर देंगे आपके लिए। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, फ्री स्टडीज के लिए बेस्ट एप्लीकेशन हमने आपको बता दिए हैं, आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ऐसे में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। सो गाइज, ये था आज का एक कमाल का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो गाइज, मिलता हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।